वेलकम टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है जनरल करैक्टर्स ऑफ फाइलम एनिलिडा। तो जनरल करैक्टर्स की तरफ प्रोसीड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइलम एनिलिडा क्या होता है। तो एनिलिडा जो वर्ड है ये एक लैटिन के वर्ड एनुलस से निकला है। एनुलस का मतलब क्या होता है? रिंग लाइक, मींस के एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि रिंग लाइक होगा। इसमें जो भी स्पीशीज होती हैं, अगर हम उनकी बॉडी को फिजिकली देखें, सपोज ये एक स्पीशी है फाइलम एनिलिडा की, तो हम देखते हैं कि इसकी बॉडी के ऊपर ट्रांसवर्सली जो है वो सेगमेंट्स बने होते हैं, रिंग्स बने होते हैं, जिसकी बेस पे हम इसे एनिलिड्स कहते हैं। तो अगर हम इसे ड्रा करके देखें, सपोज ये बॉडी है तो उसके ऊपर इस तरह रिंग्स बने होंगे, तो ये इनका मेन फीचर है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट इनका जो है जनरल करैक्टर क्या है, सेगमेंटेशन है। इनमें सेगमेंटेशन पाई जाती है। बॉडी जो होती है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। तो सेगमेंटेशन कैसे होती है? एक पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स बने होते हैं, उसकी बहुत सारी डिविजन्स होती हैं। तो ये इसका बहुत ही स्पेशल और मेन करैक्टर है, क्योंकि इससे जो पिछले फाइलम थे किसी में भी ये करैक्टर नहीं पाया जाता था। फाइलम एनिलिडा जो है ये फर्स्ट फाइलम है जहाँ पे जिसकी स्पीशीज में सेगमेंटेशन देखी गई है। और इसे नेक्स्ट है करैक्टर सिलोम का। इनकी बॉडी कैविटी में सिलोम पाई जाती है। अब इससे पहले हमने जितने भी फाइलम्स पढ़े हैं उनमें सिलोम नहीं थी, ट्रू सिलोम नहीं थी। सिर्फ एक फाइलम था एस्केलमेंथीस जिसमें फाल्स सिलोम पाई जाती थी, सीडो सिलोम पाई जाती थी, लेकिन इसमें क्या होते हैं, इसमें ट्रू सिलोम होती है। और ये इसका मेन करैक्टर है और यहाँ पे ही ये डिवेल्प हुई है। और ये डिवेल्प कैसे हुई है ये हम देखते हैं कि इस सिलोम की डिवेलपमेंट कैसे हुई है। तो सिलोम जो है वो उसकी फॉर्मेशन मीजोडर्म से होती है। मीजोडर्म क्या है? ये एक लेयर है। मेन जो फाइलम एनिलिड्स होते हैं उनमें थ्री लेयर्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म होती है या फिर एपिडर्म होती है, जो सबसे आउटसाइड पे होती है, यहाँ पे ये वाली जो आउटर कवरिंग है। इसके बाद क्या होती है कि मीजोडर्म होती है जो मिड में होती है, और एंडोडर्म होती है जो सबसे लास्ट में इनर साइड पे होती है, और यहाँ पे ये ब्लैक सर्कल में दिखाई गई है। तो इसमें होता क्या है कि जो मीजोडर्म होती है वो डिवाइड हो जाती है। एक तो वो जो बॉडी की आउटर कवरिंग होती है उसको अंदर से उसको कवर कर रही होती है, इसको क्या हम कहेंगे, पेरिटल मीजोडर्म। ये क्या है? ये पेरिटल मीजोडर्म है। और दूसरा वो क्या बनाती है, एक जो मीजोडर्म होती है वो इस तरह डिवाइड हो जाती है, एक बाहर वाली बाउंड्री के साथ जा जाती है और एक एंडोडर्म को कवर कर रही होती है। ये जो है जो एंडोडर्म को कवर कर रही है, ये बेसिकली जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो भी इंटरनल ऑर्गन होगा उसको कवर कर रही है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, विसरल कहेंगे, विसरल मीजोडर्म। अब इस मीजोडर्म की जो है डिवीजन की वजह से दरमियान में जो स्पेस बन जाती है उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी कहते हैं, क्योंकि वो एक कैविटी बन गई है। तो बॉडी कैविटी को हम क्या नाम देंगे, सिलोम का। ये है सिलोम और इनमें ट्रू सिलोम पाई जाती है, जबकि जैसे कि मैंने बताया कि पिछले फाइलम्स में ट्रू सिलोम नहीं पाई जाती। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी सिमेट्री कैसी होती है। इससे फाइलम एनिलिडा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री होती है। कौन सी होती है? बाइलेटरल। एक जो ऑर्गेनिज्म होता है, अगर हम उसकी बॉडी के दरमियान से एक प्लेन गुजारें, एक प्लेन से कट करें, तो क्या होता है, वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। सपोज इसकी जो एग्जाम्पल है इस फाइलम की वो लीचेस हैं, ठीक है, और मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल है वो अर्थवर्म की है। तो हम यहाँ पर ड्रा करते हैं, सपोज ये अर्थवर्म है। तो क्या होता है कि जब हम इसको दरमियान से कट करेंगे तो टू इक्वल मिरर इमेजेस फॉर्म हो जाते हैं। जो टू इक्वल इसके पार्ट्स बने हैं वो क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो इसे हम क्या कहेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे। फिर इसमें हम एक और करैक्टर देखते हैं कि इससे जो आउटर क्यूटिकल होती है वो नॉन काइटनस होती है, नॉन काइटनस क्यूटिकल होती है, और इसके आउटर साइड पे कुछ ब्रिस्टल्स या फिर सिटी लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डिवेल्प हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि रीजनरेशन का करैक्टर भी इनमें देखा गया है। ये भी एक इसकी इसके जनरल करैक्टर में इंक्लूड होगा कि रीजनरेशन में होती है।
फिर नेक्स्ट इनका हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता, कौन सा होता है, ये तकरीबन सारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो मैराइन में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, मतलब सॉइल के अंदर, जैसे कि अर्थ हम है वो सॉइल के अंदर रह रहा होता है, तो ये इसका हैबिटेट। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोस्टोमियम, प्रोस्टोमियम क्या है, ये एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये है इस तरह, ये कहाँ पे होता है, ये जो एंटीरियर रीजन होता है बॉडी का वहां पे पाया जाता है, और जहां पे पोस्टीरियर होता है हम उस साइड को बॉडी के एंटीरियर साइड कहते हैं, और जो बैक साइड होती है वो क्या होगी, बॉडी की पोस्टीरियर साइड होगी। तो ये प्रोस्टोमियम इन स्पीशीज में पाया जाता है, और इसके बारे में हम नेक्स्ट डिटेल भी पढ़ेंगे जब हम किसी एक स्पीशी को लेके उसके सारे बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लेन से पढ़ेंगे और उनके जनरल कैरेक्टर्स को। अब नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कैसा होता है कि माउथ से स्टार्ट हो रहा होता है और एनस पे एंड हो रहा होता है। सपोज यहाँ पे माउथ है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और कहाँ पे एंड होगा, एनस पे। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो स्पीशीज फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्री लिविंग स्पीशीज होती हैं, उनमें बहुत ही वेल डिफाइंड और वेल डिवेल्प जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम डिवेल्प होता है, लेकिन इसके अलावा जो पैरासिटिक होती हैं उनमें इतना ज़्यादा वेल डिवेल्प नहीं होता, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा होता है अपने होस्ट के ऊपर। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी हम एक्सप्लेन इसकी पढ़ेंगे, और सारे इसके स्ट्रक्चर जो हम डिटेल से पढ़ेंगे, और उस वीडियो के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी वेल डिफाइंड होता है, इसके लिए एक स्ट्रक्चर जो है वो मेटानेफ्रिडियन में पाया जाता है, मेटानेफ्रिडिया। अब इसमें मेटानेफ्रिडिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, उसमें फ्लेम लाइक सेल्स या एक नेफ्रॉन या नेफ्रिडिया लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डिवेलप हो रहा होता है, क्योंकि बॉडी के डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, तो हर सेगमेंट में जो है वो मेटानेफ्रिडिया का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो एक एंड इसका जो होगा वो सिलिएटेड होगा, वहां पे सिलिया लगे होंगे, और फिर इसमें काफी सारी डक्ट्स होंगी, और एक्सक्रीटरी पोर से आउट साइड जो है एक्सक्रीटरी वेस्ट वो मूव कर रहा होगा। तो इसी तरह काफी हर जो सेगमेंट होगा वहां पे एक मेटानेफ्रिडिया का स्ट्रक्चर होगा, इसी तरह से ये रिपीट होते रहते हैं, और जहां से ये स्टार्ट होता है वहां पे क्या होते हैं, सिलिया लगे होते हैं, सिलिया जब बीट करते हैं तो एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो आउटसाइड से इसके अंदर मूव कर जाता है, इस इन डक्ट्स के अंदर, और फिर यहां से होता है वो कलेक्शन उसकी हो जाती है, फिर उसके बाद वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इस तरह इसमें जो है वो मेटानेफ्रिडिया का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसमें हम एक और बात देखते हैं कि इसमें जो है वो एवोल्यूशन हो रही है, ठीक है, जैसे जैसे हम फाइलम्स को आगे आगे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनमें एवोल्यूशन हो रही है। जो इससे पहले वाला फाइलम था वो हमने कौन सा पढ़ा था, एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज में हमने ये नोटिस किया था कि उसमें जो स्ट्रक्चर था वो प्रोटोनेफ्रिडिया का था, प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया का था। फिर ये वाला फाइलम आया और इसमें क्या आ गया, मेटानेफ्रिडिया, उस वाले से थोड़ी एवोल्यूशन हो गई है। तो ये हमें इससे ये बात पता चलती है कि जैसे जैसे आगे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे एवोल्यूशन होती गई, और ह्यूमंस की किडनी में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो नेफ्रॉन होता है। तो ये बात पता चलती है कि वो कैसे डिवेल्प हुआ, वो एवोल्यूशन से, टाइम गुजरने के साथ साथ डिवेलपमेंट हुई, एवोल्यूशन हुई, वो यहाँ से डिवेल्प हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें नर्वस सिस्टम कैसे पाया जाता है। इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो इसमें डिवेल्प होना स्टार्ट हुआ है, जो एंटीरियर साइड होती है बॉडी की वहाँ पे नर्वस सिस्टम का गैंग्लियन पाया जाता है, जिसे हम नर्व गैंग्लियन कहते हैं। नर्व गैंग्लियन, और इसके अलावा इसमें नर्व कॉर्ड्स भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, नर्व कॉर्ड्स। तो हम सपोज कि हमारे पास एक ट्रांसवर्स सेक्शन है बॉडी का, ये इसकी क्या है, ये इसकी डॉर्सल साइड है,
ये वेंट्रल साइड है और ये क्या है इसकी लेटरल साइड है। तो जो नर्व कॉर्ड्स होती हैं वो डॉर्सल साइड पे भी रन कर रही होती हैं, यहाँ से भी रन कर रही होती हैं और वेंट्रल साइड से भी और लेटरल साइड से भी। सपोज ये बॉडी की डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है और ये लेटरल, तो फोर नर्व कॉर्ड्स होती हैं वो रन कर रही होती हैं, एक डॉर्सल साइड पे रन कर रही होती है, एक वेंट्रल साइड पे और दो लेटरल साइड पे। सपोज ये इसके ऊपर वाली डॉर्सल साइड है यहाँ पे, एक इसकी बैक साइड पे वेंट्रल साइड पे और दो जो है वो इसकी लेटरल साइड पे रन कर रही होंगी। तो ये रोल प्ले करती हैं इसका नर्वस सिस्टम का और जो भी सेंसेस होती हैं उनको कलेक्ट कर रही होती है, उनसे सेंस ले रही होती है कि क्या चीज़ बॉडी के पास आई है या फीडिंग क्या करनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इससे परफॉर्म हो रही होती हैं। फिर हम इसमें देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी वेल डेवलप होता है और ब्लड वेसल्स जो हैं वो रन कर रही होती हैं पूरी बॉडी में और क्या कर रही होती हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्रोवाइड कर रही होती हैं। गैशियस एक्सचेंज भी इसमें होता है और जो है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को या बॉडी के डिफरेंट रीजन्स तक जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इन वेसल्स के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा होता है। तो ये क्या हो गया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर नेक्स्ट है रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन। इसमें रेस्पिरेशन जो है वो इतनी ज़्यादा वेल डिवेल्प नहीं होती क्योंकि इसमें जो गैशियस एक्सचेंज है वो सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, बॉडी से ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर इंटर हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड मूव कर जाती है। ऑक्सीजन क्या होती है, सिंपली अंदर मूव करती है और कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड, ये सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा होता है। और इसी वजह से जो फाइलम एनिलिडा की मोस्ट ऑफ स्पीशीज होती हैं वो बाहर से मॉइस्ट होती हैं, वेट होती हैं, क्योंकि गैशियस एक्सचेंज में ये इस तरह की मॉइस्चर जो स्किन होती है वो हेल्प कर रही होती है उनकी। तो बहुत ही सिंपल इनमें सिस्टम होता है रेस्पिरेशन का। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लोकोमोशन। इनमें जो लोकोमोशन है वो इनके मसल्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। किस चीज के ऊपर, मसल्स के ऊपर। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें टू टाइप के मसल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और दूसरे हैं सर्कुलर। ये दोनों मसल जो हैं वो एक साथ फंक्शन करते हैं जिसकी वजह से जो है बॉडी मूवमेंट करती है। ये कैसे होते हैं, जो सर्कुलर मसल्स होते हैं ये कहाँ भी मौजूद होते हैं, सपोज ये बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, तो सर्कुलर मसल जो है वो रिंग्स की फॉर्म में ही मौजूद होते हैं, जिस तरह रिंग्स मौजूद होती हैं। और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी छोटी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट लेंथ में हो जाती है। और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सर्कुलर मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो बॉडी छोटी भी हो जाती है और वाइड भी हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि वो बॉडी ने जहाँ पे मूवमेंट करनी हो वो उस पोर्शन पे आ जाती है। सपोज यहाँ पे ये आ गई है, ठीक है, पीछे से ये अगर छोटी गई तो ये यहाँ पे इसकी मूवमेंट हो जाएगी। फिर क्या होगा कि इससे ऑपोजिट होगी कि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे वो रिलैक्स कर जाएंगे, वो और आगे चले जाएंगे, बॉडी लेंथी हो जाएगी, और जो होंगे सर्कुलर मसल वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, बॉडी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और जो है वो उसका डायमीटर बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी तकरीबन यहाँ पे आ जाएगी इस तरह। तो ये जो मैंने अभी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का दोनों मसल्स का बताया है, ये वाला जो साइकिल है ये रिपीट होता रहता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, रिलैक्स होते रहते हैं और बॉडी आगे आगे मूव करती जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ये होता है इसकी लोकोमोशन में। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। फाइलम एनिलिड्स की डिफरेंट स्पीशीज देखते हैं तो उनमें मोस्ट ऑफ द स्पीशीज जो होती हैं वो हर्माफ्रोडाइट होती हैं। अब ये हर्माफ्रोडाइट क्या है,
हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि मेल और फीमेल गुनेड्स जो होते हैं वो एक ही स्पीशी के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम लीच की बात करते हैं तो उसमें मेल भी उसी स्पीशी में होगा और फीमेल भी, इसी तरह अर्थवर्म में भी इसी तरह होता है और बाकी दूसरी स्पीशीज में भी ऐसा ही होता है कि मोस्ट ऑफ द स्पीशीज जो है वो हर्माफ्रोडाइट होती हैं। फिर उसके बाद उसकी फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं कि उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी या सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी। तो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है और क्रॉस भी होती है। क्रॉस में क्या होगी कि एक ही स्पीशी के एग और स्पर्म रिलीज होंगे और उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और फिर उनमें डेवलपमेंट होगी, और इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट भी हो सकती है डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट भी। अब हम देखते हैं कि जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है उसमें तो सिंपल फर्टिलाइजेशन होती है और डेवलपमेंट होके जो है इंडिविजुअल बन जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है कि इसमें ट्रोकोफोर लार्वा बनता है और फिर उसके बाद जो है वो इंडिविजुअल बन जाता है। तो ये था पूरा लेक्चर जो कि कवर करे जनरल करैक्टर्स को, फाइलम एनिलिडा को। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी ये लेक्चर सुनने के बाद। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू।